हमारे साथ है, काफी विभाजन से बोलते हैं सर, क्या कहेंगे इस जीत को? ये एक बहुत बड़ी चीज है, पूरे जम्मू वासी सारे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मीडिया की वजह से ये सारी जीत है, मीडिया की सबसे ज्यादा मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो मीडिया ने बीजेपी को हारे है, जो ओपन मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा है, बेरोजगारी गैस का लेबोरेटरी बना के रखे सारे दिया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, रियासत के टुकड़े कर दिए। और जो परिकर और लद्दाख को ये यूपी बना के बड़ी पीठ तलवाते थे, बड़ा अच्छा एमपी है, आज उनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वो स्टेट लेजिस्लेटर की मांग करते हैं, और मैं समझता हूँ जो राहुल गांधी जी की बारह जोड़ो यात्रा थी ये उसी का असर है। ये श्री राहुल गांधी पे जाता था जिन्होंने, जिनके माध्यम से आज लोगों ने सेक्टर फोर्सेज की ताकत को मजबूत किया, इंडिया के गठबंधन को ताकत दी, और ऐसा ही गठबंधन पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में। जिस तरह से कल भी है, क्या उम्मीद है? बहुत बुरी तरीके से, अब ये आऊं बैठेगा भी नहीं, आप खड़े भी नहीं दिखाई देंगे। मैं समझता हूँ लोग आज घरों से बाहर निकल गए, लोगों के सामने फेस टू फेस ये बात नहीं कर सकते, अब इनका आंकड़ा गया। और उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जम्मू कश्मीर का एमपी बैठा हो तो हालत दो सीटें आ गई, अगर वह भी नहीं बैठा होगा तो आप अंदाजा लो कहाँ पे होने। आप जम्मू कश्मीर के आवाम, उनको भरम पट्टी चाहिए, वो तभी होगी जब रियासत का दर्जा वापस देंगे, हर एक साथी हमारे लोकल अफसरों को पूरी ताकत यहाँ पे देंगे, गरीब आवाम के हक की रखवाली करेंगे, युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे, वो जद्दोजहद हमारी जारी है। कल धरना है उसके हवाले से क्या कांग्रेस का फुल सपोर्ट मिलेगा? तो धरना हुआ नहीं, तो ये रिजल्ट आ गया, कल धरना यहाँ पे होगा, भाजपा दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगी। पांच राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आज घोषणा करेंगे, ऊपर कहाँ दिखते हैं कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई देगी हिंदुस्तान में, भाजपा डांस करने वाली पार्टी रह गई है, लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी रह गई है। आपको लगता है कि कारगिल के इलेक्शन से भाजपा को अभी भी समय सीख लेनी चाहिए? अब वो समय निकल गया, अब जो थर्ड पार्टी हो उसको वेंटिलेटर में कितना रखोगे? वेंटिलेटर से इनके सांस आने वाले भाजपा के नहीं है, अब ये जिंदा लाशें हैं जो अपनी आत्मा से मार गए, जिन्होंने लोगों ने इनको वोट दिया, इसलिए वोट नहीं दिया था कि रियासत के टुकड़े करें, आज लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर आज भी 50 प्लस पर अटके हुए हैं, अपनी पीठों से बेशक अटके रहे हैं तो ऊपर ही अटके रहेंगे।